ओम शांति, गुड इवनिंग आप सबको। ओम शांति। ओम शांति। हमारे सारे वक्ता आज हमारे साथ में हैं। मेरे ख्याल से शिवने है बहन जी, आप भी हैं हमारे साथ में। सरस्वती आचार्य भाई साहब, आप भी हैं हमारे साथ में। बहुत 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 आपको स्वागत। एंड धन्यवाद। शिवने सिस्टर, हमारे साथ में आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर भी आने वाले हैं। क्या वो ऑनलाइन है? काइंडली आप मेरे को बता सकते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन है वो। हम अपना प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं, तब तक सिस्टर ज्वाइन कर लेंगी हमें। एंड आज की श्रृंखला जो है हमारे साथ, वो लास्ट टाइम तो एंग्जाइटी पे थी, लेकिन इस बारी फियर पे है, जो कि एंग्जाइटी से ही रिलेटेड है बहुत ज्यादा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब बहुत ज्यादा सोचते हैं, चिंताएं होती हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली डर भी लगता है। क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, कैसे करेंगे, किससे करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आना ही मतलब डर पैदा होना, जिसके बारे में हमने पिछली श्रृंखला में बात करी थी। एंड हमारे साथ में पिछली श्रृंखला के जैसे ही हमारी प्यारी सिस्टर नेहा जी हैं हमारे साथ में। सिस्टर नेहा का मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। वो एक ऑथर हैं एंड उन्होंने शिवरेज बुक लिखी है, और उस शिवरेज बुक को एक एशिया एंड इंडिया वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स में उसको बहुत ही ज्यादा प्रतिमा मिली है। प्लस उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी प्ले राइट किया है, जो कि अहमदाबाद में, आई बिलीव सरस्वती चंद्र आचार्य भाई साहब, आपने जो गुजरात हेलो गुजरात चैनल है उस पे इसको प्रमोट भी किया गया था बहुत ही अच्छी तरीके से। वुमेन एम्पावरमेंट तो सबसे मुख्य है आज, एंड ब्रह्म कुमारीज इज ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। एंड आपके बहुत ही शुद्ध चैनल के माध्यम से बहुत मीठी मीठी बातें और बहुत ही पवित्र बातों को आगे फैलाया जाता है। तो हमारे साथ में राजयोगा एक्सपर्ट नेहा दीदी के साथ में हमारे मिस्टर सरस्वती चंद्र आचार्य भाई जी, आप भी आए हुए हैं। सरस्वती चंद्र आचार्य भाई जी फाउंडर हैं अहमदाबाद फिल्म फेस्टिवल के एंड हेलो गुजरात चैनल के। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग भी की है एंड एज अ जर्नलिस्ट एंड एज अ मेंटर भी हैं। एंड हमारे साथ में ज्वाइन कर रही हैं गेस्ट ऑफ ऑनर सिस्टर शुभांगी माली जी। आपको भी मैं स्पॉटलाइट में दे रहा हूँ। वेलकम सिस्टर। सिस्टर सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर है एंड मेंबर ऑफ इंडियन योगा एसोसिएशन। सिस्टर बहुत बहुत आपको स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जिसको हम कहते हैं सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन। नाम तो सेल्फ हीलिंग है, लेकिन सारी चीजों को ये कवर कर लेता है अपने अंडर, क्योंकि हर कोई सेल्फ हीलिंग को ही ढूंढ रहा है। एंड मेडिटेशन एंड योगा एंड राज योगा आर पार्ट ऑफ सेल्फ हीलिंग ओनली। जब हम खुद ठीक हो जाते हैं, तो हम औरों को, अपने घर परिवार वालों को भी ठीक रख सकते हैं। तो आज हम हमारे सारे वक्ताओं के साथ में आज आए हैं, उपस्थित हैं। एंड अगर कोई मुझे नहीं जानते हैं, तो मैं एक रिलेशनशिप एंड हेल्थ काउंसलर हूँ एंड राजयोग का प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले ऑलमोस्ट 13 ईयर्स से। एंड साथ ही साथ मैंने हार्वर्ड से एंड अपने कोरोलाडो बोल्डर से अपना एक्सरसाइज साइंस ऑफ एक्सरसाइजेस एंड प्लस फूड एंड हेल्थ के बारे में कोर्सेज किए हैं। एंड और उससे मुझे योगा में भी काफी हेल्प हुई थी, जो कि आज हम यूज करेंगे। एंड फियर को कैसे भगाएं अपने जीवन से, उसके हम तीन पहलू देखेंगे। पहला है सिम्टम्स क्या होते हैं, सेकंड चीज जो हम देखेंगे वो है हमारे रीजंस क्या होते हैं फियर होने के, उसको हम स्पिरिचुअल एंगल से, एंड साथ ही साथ हम उसको योगिक लैंग्वेज से भी समझेंगे। एंड हमारे साथ में अनुभवी भाई बहन हैं, जो कि हमारे बारे में ये सारी चीजें चर्चा करेंगे। एंड तीसरा सबसे मुख्य है कि उसको हम कैसे भगाएं, सोल्यूशन क्या है। जब सोल्यूशन मिलेगा, उसके बाद में हम 40-45 मिनट्स लेंगे, जिसमें कि हर वक्ता एक 5-5 मिनट में एक दूसरे के साथ में बात करेंगे। एंड हम अपने व्यूज को आगे रखेंगे, और व्यूज को आगे रखते हुए जैसे ही 45 मिनट्स कंप्लीट होंगे अप्रोक्सीमेटली, हम फिर आप सब हमारे पार्टिसिपेंट्स के सामने आएंगे। आपके पास में जो अपने प्यारे प्यारे सिंपल से क्वेश्चंस हैं, चाहे आपको जितने भी बचपने वाले भी लगे हैं, लेकिन आप जरूर पूछिएगा उनको, बिकॉज आपके पूछने से हो सकता है किसी और का भला हो जाए आपके साथ। तो वो क्वेश्चन जरूर पूछेगा, एंड ये क्वेश्चंस पूछने के बाद में हम उसके बाद में आपके जो भी और प्रश्न है, उनको हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम आपको लेके जाएंगे आगे। तो हमारा एक व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, जिसमें कि आप आकर के हमसे और डिटेल में, हमारे जितने भी वक्ता हैं उनसे आप पूछ सकते हैं अपने प्रश्न, पर्सनल क्वेश्चन। तो आज का हम सत्र स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा हमारे प्यारी सिस्टर शिव नेहा दीदी के पास में।
दीदी, फियर एक ऐसी चीज है, एक ऐसी फीलिंग कहूंगा मैं, क्योंकि फियर तो कोई लोग डिफाइन भी नहीं कर पाते, उनको समझ भी नहीं पाता है कि मेरे को ये एंजाइटी हो रही है, कि मेरे को फियर हो रहा है, कि मेरे को पैल्पिटेशन हो रहा है, ये क्या चीज एग्जैक्टली। एंड ये एक ऐसी आदत बन जाती है सिस्टर कि लोग डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी वो डर के मारे कभी चिल्लाते हैं, कभी डर के मारे किसी को मारपीट भी कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता कि उनके ऑटोमेटिकली अपने रिएक्शंस कंट्रोल में नहीं है। तो हम कैसे सिम्टम्स को कैसे पहचाने इनको, और फिर आप इस पे थोड़ा सा लाइट डालिएगा सिस्टर। जरूर ओम शांति। कुछ भी कहने से पहले एक छोटी सी मैं स्टोरी सुनाना चाहूंगी, जिसके माध्यम से जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं वो खुद ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। एक बार एक क्रिमिनल को बहुत बड़ी सजा मिली, उसने कुछ ऐसे गुनाह कर दिया एक राज्य में, तो उसको राजा के पास ले जाया गया, और जब भी राजा के पास उसको ले जाया गया तो उन्होंने पूछा कि अभी आपने गुनाह तो किया है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा हुआ है, तो हमारे राज्य का यही असूल है कि आपको सजा तो मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि आपको दो चॉइस मिल रही है, या तो आपको फांसी पर लटकाया जाए, तो उसको वो फांसी का फंदा दिखाया गया, और या तो फिर इस दरवाजे के पीछे आपको हम रख देंगे। अभी ऐसा हुआ कि वो सोचने पड़ गया, और उसके मन में इतनी सारी चीजें एक के बाद एक थॉट्स आने लगे। तो उसने सोचा कि जैसे फांसी का फंदा तो दिख रहा है सामने, कि जैसे गले में जाएगा और रस्सी खींचेंगे तो इमीडिएटली मैं मर जाऊंगा, पर अभी दरवाजे के पीछे क्या है वो मुझे नहीं पता है। तो उसने सोचा कि दरवाजे के पीछे कोई जानवर हो सकता है, या दरवाजे के पीछे कोई हंटर लेके खड़ा हो सकता है, या दरवाजे के पीछे कोई ऐसे लोहे की ये रहेगी, या कोई आग का दरिया जैसा रहेगा कि जिसमें मुझे जलाया जाएगा। तो बहुत सोचने के बाद में वो हर प्रकार से सोच सोच के डर गया। तो फिर उसने सोचा कि मरना तो है ही, तो क्यों ना मैं रस्सी पे लटक कर मरना बेटर है ना, इजी इजी मौत, एटलीस्ट मुझे पता है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपको रस्सी से खींचा जाएगा। फिर उसने राजा को कहा कि मुझे तो ऐसे ही मरना है फांसी पे लटक कर। तो राजा, ठीक है, आपको सुबह में यहाँ पर फांसी दी जाएगी। पूरी रात भर वो फिर भी नहीं सो पाया, क्योंकि उसके मन में फिर भी वो दुविधा कि फांसी पे लटकना अच्छा है या दरवाजे के पीछे जाना अच्छा है। रात भर उसने ऐसे ही, फिर सुबह जब वो उठा तो उसको फिर से वो थॉट्स चलने लगे कि अगर फांसी पे लटकाएंगे तो पहले तो मेरा मुंह बंद कर देंगे कपड़े से, तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, और उसके बाद में वो पीछे से इतना जोर से खींचेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कैसे मर रहा हूँ, और कितनी जोर से रस्सी मेरी खींची जाएगी। तो ऐसा हुआ कि दोनों जगह पर वो इतना पजल्ड हो गया, पर आखिर में तो उसने चूज कर लिया था। तो राजा ने ऐलान किया कि उनको लेकर आइए, अभी फांसी का टाइम हो गया है। तो जैसे ही उसको ले जाया गया फांसी के यहाँ पर, तो चढ़ने के पहले उसने राजा को बोला कि जो कि मैंने ऑलरेडी ये सिलेक्ट कर ही लिया है कि मुझे यहाँ पर चढ़कर फांसी से ही मरना है, पर मुझे ये जानना है कि वो दरवाजे के पीछे क्या है। तो राजा मुस्कुराया, एक हर एक इंसान की यही दुविधा है कि हर जो सामने दिख रहा है उसको इमीडिएटली ले लेते हैं, और जो नहीं दिख रहा उसके बारे में डर रहे हैं। तो फिर से वो कहता है कि पर मुझे जानना है कि उसके पीछे क्या है। तो राजा ने कहा कि ठीक है,
अभी एक है, आपके पास तो चॉइस नहीं है, आपने ऑलरेडी चॉइस कर लिया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। तो दरवाजा जैसे खुलता है तो उसमें लिखा रहता है फ्रीडम, और नेचुरली वो फिर ये हो गया। तो ये कह के मतलब जीवन में हम इतने एक ही रास्ते पे चलना सीख रहे हैं कि हम कभी भी आउट ऑफ बाउंड्री जाना नहीं चाहते। अभी जैसे कहा कि फियर, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का भी एक एग्जाम्पल है कि एक बार वो रास्ते में दौड़ चल रहे थे और उसके पीछे कुत्ते दौड़ने लगे, भौंक रहे थे। तो वो दौड़ने लगे, कुत्ते और जोर से दौड़ रहे थे और जोर से भौंकने लगे। फिर एक बार उसने पलट के उससे कुत्ते के पीछे दौड़ना चालू किया तो कुत्ते भाग गए। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में हर समय हम फियर, मतलब हमारे जो थॉट्स है उससे ही हम डरते हैं, क्योंकि वो फियर हमारे अंदर है। इट इज नॉट अ फिजिकल थिंग, मतलब वो बाहर दिखता नहीं है, वो हमारे मन के अंदर वो चलते रहते हैं थॉट्स। और जब तक हम वो फियर को फेस नहीं करते, उसका सामना नहीं करते, तब तक वो फियर हमारे अंदर ही अंदर पलपता है। और न जाने कितनी अपॉर्चुनिटीज हमारे लाइफ में इस फियर के कारण चली जाती है। जैसे उस वो दरवाजे के पीछे तो था फ्रीडम, अगर एक बार उसने आउट ऑफ द बाउंड्री सोचकर आउट ऑफ द बॉक्स देखा होता, और अगर उसने दरवाजे के पीछे क्या है वो अगर सिलेक्ट कर लिया होता तो आज वो जिंदा होता। तो कहा जाता है कि फियर हमारे अंदर की ही एक आग है, कि हम लोग जैसे बचपन में हमने होमवर्क नहीं किया है तो हमको क्लास स्कूल में जाने से डर लगता था कि टीचर हमें मारेगी, हमको पनिशमेंट देगी। कभी एग्जाम के टाइम पे कितना भी हमने पढ़ा हो लेकिन हमको डर है कि क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, कैसे हम लिखेंगे, तो उसकी वजह से हमने जो पढ़ा हुआ है वो भी हम भूल जाते हैं, और उसकी वजह से फिर से एग्जाम में हम गड़बड़ कर देते हैं। इसी तरह लाइफ में जब भी हमें कोई भी मेजर डिसीजन लेना हो तो हम फियर में आते हैं। अभी फियर दो प्रकार के है, एक तो है फिजिकल, एक है मेंटल। फिजिकल फियर हमें पता चल जाता है कि हम डर रहे हैं। अभी जैसे कोई पूछेगा कि हु इज गोस्ट, कौन है, ठीक है, तो गोस्ट को हम वर्णन कर सकते हैं, पर गोस्ट को हम गोस्ट से कैसे बचे वो मैं आपको बता सकती हूँ, बट गोस्ट क्यों है दैट आई कैनॉट आंसर, है ना। अगर आप बोलोगे कि गोस्ट है तो मैं आपको बचाने का तरीका दे दूंगी, है ना, कि ओम चैंट करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, क्रॉस लगा दो, और यू नो उसकी परछाई जब भी पड़ेगी गोस्ट पे तो गोस्ट चला जाएगा। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चन हाउ एंड व्हाट। हम ये नहीं कह सकते हाउ इज फियर, हम बोल सकते हैं, हम कहते हैं कि हाउ इज योर फीवर, बट हम ये नहीं कह सकते हाउ इज फियर, हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज फियर। तो जब भी हमारे क्वेश्चंस और हमारे आंसर्स जब भी इजीली मैच कर जाते हैं तभी हमें उसका आंसर हमारे क्वेश्चन में ही मिल जाता है। तो फियर इज नथिंग बट इट इज जस्ट समथिंग वी हैव नेवर ट्राइड इन अवर लाइफ। सो फर्स्ट टाइम जब भी हम करना कुछ करने जाते हैं तो हमें उससे डर लगता है, सोच के कि कैसा होगा क्या होगा, क्योंकि हमने कभी उसको एक्सपीरियंस नहीं किया होता है। जैसे एक छोटा बच्चा जब भी वो चलना सीखता है, अगर हम उसको बोले कि पहले ये पैर उठाओ, फिर ये पैर को पीछे रखो, फिर आगे रखो, फिर पीछे रखो, फिर ऐसे चलना ऐसे चलना, तो वो बोलेगा ये बहुत भारी काम है, मेरे को चलना ही नहीं। बट जब भी हम उसको हमारे हाथ देकर जब भी हम चलाते हैं तो वो इजीली चल पाता है। तो कहा जाता है कि व्हेन यू वॉक अलोन, यू नो इट्स कॉल्ड व्हेन यू वॉक अलोन एंड व्हेन यू वॉक विद द पीपल इट इज अ रेस, बट व्हेन यू वॉक विद द गॉड इट इज अ ग्रेस। तो जब भी भारतीय संस्कृति में हमने देखा है
कि कभी भी हम कुछ नया काम करते हैं तो हमारे घर में दही शक्कर खिलाई जाती है या भगवान का तिलक करते हैं, आरती करते हैं, तो वो क्यों है? बिकॉज ये सब चीजें हमें बताती है कि आपके साथ में जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो ये छोटे छोटे जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए उससे काफी क्लियर है कि फियर इज नथिंग बट अवर ओन थॉट्स, कि कैसे हम हमारी एक एक थॉट्स से हम अपने आप को भारी कर लेते हैं और वो भारीपन की वजह से हम वो चीज करने को डरते हैं। जैसे कोई बलून को अगर मैं पत्थर से बांध दूं तो वो बलून उड़ेगा क्या? नहीं उड़ेगा। लेकिन बलून को मैं ऐसे ही हवा में छोड़ दूंगी तो वो बलून कितनी ऊंचाई पर जा सकता है? तो इसीलिए हमारी जो फ्रीडम है, हम जो लाइफ में करना चाहते हैं वो हमारे हाथ में है, ना कि और किसी के हाथ में। तो हमको हमारे थॉट्स को बदलना है। जब हमने पढ़ाई करी है इतनी अच्छी तो डेफिनेटली हम पास होने ही वाले हैं, तो फिर डर क्यों? डर होता है क्योंकि आप दूसरे से कंपैरिजन में चले जाते हो कि मेरी फ्रेंड के इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, मेरे नहीं आएंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये क्या होगा। अरे हमें अपने बारे में सोचना है, ना कि लोगों के बारे में। लोग अगर आप फर्स्ट भी आएंगे ना तो कहेंगे अरे तू फर्स्ट ही आया, तू तो गोल्ड मेडल ला सकता था, है ना। और अगर हम फेल हो गए तो अरे तू फेल हो गया, तेरे से तो अच्छे आए है। सो अगर हम दूसरों के आधार से हमारे जीवन का लक्ष्य बनाएंगे, गोल बनाएंगे, तो हमेशा हमको वो डर रहेगा। सो मेरे हिसाब से ये जो छोटे एग्जाम्पल्स और जो छोटी स्टोरीज से है कि फियर इज नथिंग बट योर स्टेट ऑफ माइंड, जो टेम्पररी आपको ट्रिगर करता है, जैसे वो घन से गोली चलती है ट्रिगर से, ऐसे ही वो टेम्पररी ट्रिगर करता है बिकॉज यू डोंट हैव पावर टू फेस द सिचुएशन। आज मनुष्य को जो भी देख रहे हैं, एक क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा डर हमें किससे लगता है? सबसे ज्यादा डर किससे लग रहा है जीवन में? मेरे ख्याल से बहुत लोगों का आंसर होगा कि मौत से डर लगता है। बट कैन वी चेंज दैट ट्रूथ? हर एक को जाना ही है, कोई ऐसे जाएगा, कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा। और हमारी जो फियर है वो हमारे डिजायर्स और अटैचमेंट से ज्यादा है, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे डिजायर नहीं होने चाहिए। जब तक हमारे डिजायर्स नहीं होंगे हमको कोई भी लाइफ में गोल नहीं मिलेगा। लेकिन वो डिजायर्स के चलते ये डिजायर अगर पूरा होगा या नहीं होगा, वो सोच सोच के हम फियर, भय की हमारे में भावना उत्पन्न होती है। डिजायर रखो, उसके लिए काम करो, डिजायर फुलफिल हुआ इट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो उससे हमें सीख मिल रही है कि आगे हमें उसको कैसे सुधारना है। सिमिलरली अटैचमेंट्स, है ना, हमारी जो चीज या वस्तु होती है उससे भी हमें अटैचमेंट है। हमारी कोई बुक लेकर जाता है तो ये मेरी बुक है, और वो बुक किसी को देना है तो हमको लगता है कि ये ले जाएगा तो इससे गुम हो जाएगी, मेरे को फिर से मिलेगी नहीं। तो ये अटैचमेंट एंड डिजायर्स, दिस आर द टू इम्पोर्टेंट फाउंडेशन ऑफ द फियर, हमारे अंदर जो भावना उत्पन्न होती है। और जब तक इसका हम सामना न करें, पावर टू फेस जब तक हम नहीं करें, तब तक ये फियर से हम कभी भी बाहर नहीं आ सकते हैं। टाइम मिलेगा तो मैं फिर से एक और अच्छी स्टोरी बाद में सुनाऊंगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है भाई जी, आई थिंक दिस इज व्हाट फियर अकॉर्डिंग टू मी। सर आपने बहुत सारे पहलू को टच किया है एंड अब हम आके सुनना चाहेंगे कि हमारे सिस्टर शुभांगी माली जी क्या कहते हैं एंड फियर के बारे में आपको क्या लगता है, योगिक प्रैक्टिस में आप कैसे इन चीजों को दूर करने की कोशिश करते हैं, क्या सिखाते हैं? यस, ओम शांति। ओम शांति। नेहारी जी ने बहुत अच्छे से समझाया फियर क्या होता है। एक्चुअली सबको पता है फियर क्या है, लेकिन योगा में
योगा की प्रैक्टिस से, प्राणायाम मेडिटेशन से हम फियर को जीत सकते हैं, फियर को भगा सकते हैं। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि एक श्लोक है, मनहा प्रशमनहा उपायः योगः, जो हम योगा में यूज करते हैं। हमारा मन बहुत चंचल होता है, वो इधर उधर बहुत भागता है, कि जैसे कि अभी मेरे पास कोई चीज है, लेकिन सेम चीज अगर कोई दूसरा लाता है तो हमें थोड़ा और होता है कि उसके पास ही कैसा है, मेरे से अच्छा तो नहीं है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे आजू बाजू में होती है कि हमारा मन हमारे पास जो है उसके पास स्थिर नहीं रहता है, दूसरों के पास क्या है ये देखने ज्यादा चला जाता है। तो इसके ऊपर योगा, हमारा मन स्थिर रखने के लिए योगा हमें हेल्प करता है। एक तो है योग, एक शास्त्र है, योगिक एक शास्त्र है। इसको फिजिकल और मेंटल के दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल के लिए हमें आसन करना बहुत जरूरी है, योगासन, और मेंटल के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक यूज करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे जो पांच तत्व है, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, ये जो पांच तत्व है, ये हमारे बॉडी में जब बैलेंस होते हैं तब हमारा मेंटली जो लेवल है वो एकदम बैलेंस रहता है। वायु बढ़ जाता है तो वात बढ़ जाता है, अग्नि बढ़ जाता है तो उष्णता, जिसको हम हीट बोलते हैं, वो बढ़ जाती है, या कम होता है तो भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसका बैलेंस रखने के लिए हमें आसन और प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। अगर ये बैलेंस बिगड़ता है तो हमें डिसीज तो 100% होते हैं, लेकिन हमारा मन पे काबू नहीं रहता है। जैसे कि सबसे मेन है कि हमारा मन हमारे काबू में रखना, हमें उसको कंट्रोल करना है, और योगा और प्राणायाम से हम डेफिनेटली इसको कंट्रोल करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जब आप तन और मन और धन लगा के, ऑब्वियसली अगर आपको योगा आता है तो आपको धन लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन आप किसी के पास सीखने जाते हो तो तन मन धन लगाते हो, 100% जब ये करते हो तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। क्योंकि देखा जाए तो सिर्फ आसन और प्राणायाम भी जरूरी है, उसके साथ है हमारा डाइट। अब योगा टीचर हो तो 100% है कि मेरा डाइट पे ज्यादा फोकस रहता है। मेरे मेंबर्स को भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि 70% आपका डाइट है और 30% आपका एक्सरसाइज है। अब जो भले आपकी 30 पूरा सुबह उठ के 45 मिनट या 1 आवर योगा करे, बहुत सारा पसीना निकल रहा है, लेकिन उसके बाद की आपकी लाइफस्टाइल बहुत मायने रखती है ये सब बैलेंस करने के लिए। तो आपका डाइट कैसा है, अगर आपको फियर है, डर लगता है, तो आपका डाइट एकदम सात्विक होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप बहुत तामसिक चीजें खाएंगे, अगर पहले ही आपको डर लगता है और कुछ ऐसी चीजें खाएंगे, तामसिक चीजें खाएंगे, तो आपका डर और बढ़ेगा। तो आपका डाइट मेंटेन होना बहुत जरूरी है, सात्विक डाइट आपको लेना जरूरी है। फिर है कि आपकी नींद, नींद जब हमारी अच्छी होती है रात की 7 से 8 घंटा, लेकिन अभी की लाइफस्टाइल इतनी भारी है कि कोई 7 से 8 घंटा नहीं सो पाता है, 6 घंटा भी मिल जाए हमें तो भी बहुत है। ये नींद हमारी कंप्लीट होना जरूरी है। फियर, मैं ओवरऑल बता रही हूँ कि फियर जो है, लास्ट का एपिसोड भी मैंने आपका देखा, उसमें एंजाइटी सब्जेक्ट था, तो फियर जो है वो आगे जाके स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एक एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाता है। तो हमें हमारे फियर पे कंट्रोल करना है, डर, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। तो सबसे मेन है आपका डाइट, आप क्या खा रहे हैं उसके ऊपर आपकी, जैसा अन्न वैसा मन हमारा बनता है, ये हमें ध्यान में रखना है। फिर आती है आपकी नींद, नींद बहुत जरूरी है, हमें 6 से 7 घंटा प्रॉपर सोना जरूरी है, वो नींद एकदम शांत होनी चाहिए। अब बहुत लोग बोलते हैं कि हम 12 बजे सोते हैं, 7-8 बजे उठते हैं, हमारी तो नींद अच्छी होती है, लेकिन जो आयुर्वेदा अनुसार की नींद है, अभी के लाइफस्टाइल में बहुत कम पॉसिबल है कि 10 बजे आप सो जाओ, लेकिन जिन लोगों को पॉसिबल है कि जल्दी सोना, रात का 9:30-10 बजे के टाइम पे अगर आप सो जाते हो और उसके आगे की 6-7 घंटे की नींद आप लेते हो, तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल एक्सेप्ट कर रहे हो। क्योंकि उसके बाद आता है ब्रह्मा मुहूर्त, सुबह का 4-5 बजे का टाइमिंग, तब आप जब उठते हो और जब आसन प्राणायाम ये सब करते हो, तब आपका माइंड एकदम शांत होता है। सुबह का बाहर का मौसम, बाहर का माहौल भी शांत होता है, तो आपको ये उस टाइम पे करेंगे तो ज्यादा इफेक्ट करेगा आसन और प्राणायाम। फिर आता है सनलाइट, सनलाइट हमें मिलना बहुत जरूरी है, कि जो आजकल नहीं मिल रहा है, सब अपने काम के पीछे इतना भाग रहे कि मुझे धूप में बैठने के लिए टाइम नहीं है, ये हम सब बहाने दे देते हैं। सनलाइट लेना जरूरी है, क्योंकि सनलाइट लेने से सेरोटोनिन नाम का हार्मोन एक सिक्रीज होता है हमारे बॉडी में, वो
और हमारे मूड को वो चेंज करता है, इसलिए वो सनलाइट सुबह की चाहिए। ऐसा नहीं कि 11-12 बजे आपका काम हो गया और आप बैठ गए धूप में जाके, ऐसा नहीं। सुबह का जो शांत सूर्य होता है, तेजस्वी प्रखर होने से पहले का सूर्य जो होता है, वो आपको लेना जरूरी है सनलाइट, क्योंकि उसमें से जो सेरेटिन नाम का हार्मोन मिलता है वो आपके मूड को कंट्रोल रखता है, इसलिए वो मिलना जरूरी है। फिर है एक्सप्रेस होना, आजकल बहुत कम हो रहा है एक्सप्रेस होना। हमारे मन की बात हम किसी को बताते नहीं है, खुशी हम बता देते हैं, लेकिन जो हमारे साथ कुछ हो रहा है, गलत कुछ हो रहा है या निगेटिव कुछ हो रहा है, वो नहीं बता रहे, इसलिए हमारे अंदर डर बढ़ता जा रहा है। मैं किसी को बताऊं, ये डर है ना हमारे मन में कि अरे मैं दिखाऊं कि मैं खुश नहीं हूँ तो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये हमारे मन में एक डर है कि लोग क्या बोलेंगे। लेकिन हमारे लाइफ में ऐसा कोई चाहिए कि जिसको हम हमारे मन की हर एक बात बताए, और जिसको बता रहे वो आपको सही गाइड करे। ऐसा नहीं है कि आप जो बता रहे उसको और वो फोकस करे और ज्यादा बढ़े। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप किसके साथ बात आपकी शेयर कर रहे हो, ठीक है। तभी फियर जो है, जैसे कि नेहा दीदी ने बताया कि फियर कैसे सबके अंदर होता है, सबके अंदर होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम उसपे जीत पाते हैं। कैसे जीतना है, तो सबसे पहले हमें प्राणायाम, प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायाम से हमारे ब्रीदिंग पे कंट्रोल रहता है, श्वास लेना और श्वास छोड़ना ये बहुत हल्के तरीके से आपको करना जरूरी है। प्राणायाम नाम में ही है, जब प्राण बंद हो जाता है, हमारा श्वास जब बंद हो जाता है तो हम बॉडी कहलाते हैं, हम आदमी नहीं कहलाते। तो इसके लिए हमें उसका बहुत ध्यान रखना है। लेकिन हम क्या करते हैं कि फिजिकली बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन जो हमारा मन है, जो श्वास है, उस पर हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, उस पर फोकस नहीं करते। तो मैं योगा के बारे में अब आपको बताऊंगी कि योगा आपको फियर कैसे आपका भगाएगा। सबसे पहले आपको कोई भी आसन करना है, जैसे कि मैं अब एक योगा टीचर हूँ, जैसे कि दीदी ने बताया कि दो प्रकार के फिजिकल और मेंटल फियर है। तो फिजिकल फियर किसको कहलाता है, जैसे कि अब मैं योगा टीचर हूँ, मुझे योगा आता है, सब पता है, योगा के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन जब मुझे बोला जाए करके दिखा पोजिशन, तू तो बता रही है ये आसन ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन करके दिखा, लेकिन मैं नहीं दिखा पा रही, तो मेरे अंदर क्योंकि मुझे डर है कि मैं बराबर राइट कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, मेरे से कुछ गलती नहीं हो रही है ना, तो ये फिजिकल फियर है। और दूसरा है कि मेंटल, लोग क्या सोचते हैं, मुझे योगा भी आता है, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं आगे जाके करूँ मैं सही नहीं की या मैं कुछ गलत बोली तो लोग क्या सोचेंगे, ये है मेंटल फियर। तो ये डर हमें निकालना है और इसके लिए हमें योगासन करना बहुत जरूरी है। योगासन आसन है, ये आसन एक पोजीशन होती है, इस पोजीशन में आपको ठीक रहने के लिए आपका कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है। कंसंट्रेशन आपका बढ़ जाता है तो आप पोजीशन अच्छे से होल्ड कर पाते हैं। जैसे कि अभी कोई आसन करने के लिए हम आपको बोलते हैं कि त्रिकोण आसन करो या वृक्षासन करो, वृक्षासन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जिनका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है वही लोग वृक्षासन कर सकते हैं। तो ये आसन जो है वो आपका डर निकालने में काम करेंगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन इस आसन से बढ़ेगा। कोई भी आसन में जाने से पहले आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, ऐसा नहीं है कि हाँ तुरंत वृक्षासन बोला है वृक्षासन करके छोड़ देते, आपको टेक्निकली उसको करना है। जैसे कि सीधा खड़े होना है, धीरे धीरे आपका एक पैर दूसरे थाई पे लेना है, श्वास लेते हुए पोजिशन लेना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पोजिशन को होल्ड करना है। जब आप ब्रीदिंग टेक्निक यूज करते हैं तो आपको धीरे धीरे पता चलता है कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आप खुद के ऊपर विश्वास रखने लगते हैं, खुद से प्यार करने लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के इसमें खुद से हम प्यार करें, ये हम प्राणायाम करते हैं तो खुद करने लगते हैं, खुद के ऊपर हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन हमारा बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। दूसरा है कि डिप्रेशन फियर एंजाइटी स्ट्रेस ये सब एक ही बोलेंगे एक ही है, जब फियर आता है तब लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, फिर एंजाइटी डिप्रेशन सब आगे आगे जाएंगे। तो सबसे पहले कि आपका फियर निकल जाए, आपको भी चीज से ना डर। आसन के लिए आपको कंसंट्रेशन जरूरी है और आसन करते तब आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है। अब आसन में भी आप कौन से आसन कर रहे हैं, अगर आपको फियर है, डर है कोई चीज का, है ना, कोई भी चीज का, आजकल सबको अलग अलग चीज का फियर है, तो आपको आसन करते टाइम ध्यान रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने वाले कुछ पोजिशन
आसन है, जैसे कि ताड़ासन, वृक्षासन है, फिर संतुलासन है, स्टैंडिंग पोजीशन बहुत सारी है कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ाएगी। और दूसरा मैं मेन कहूंगी कि वज्रासन की पोजीशन। वज्रासन में हम जब बैठते हैं तब हमारा काफ मसल, नी और एंकल ज्वाइंट के बीच वाला जो पोर्शन है उसको हम काफ मसल, काफ बोलते हैं, काफ मसल का पंपिंग बहुत अच्छे से होता है। और हमारा काफ मसल जो है हमारा सेकेंड हार्ट माना जाता है, तो उसका पंपिंग जब होता है तब हमारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। हम नॉर्मली करते हैं, बहुत फास्ट वर्कआउट करते हैं, लेकिन ये जो आसन करते टाइम पंपिंग होना, इंटरनल ऑर्गन्स पे प्रेशर आना, ट्विस्ट करना, ये सब करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा आपका। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो ऑब्वियसली कि आपका फ्रेश मूड हमेशा रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। आप सिंपल सा देखिए कि आप पूरा दिन सो जाओ, कुछ आपको करना नहीं है, पूरा दिन आप सो जाओ, कैसा फील करेंगे उस दिन शाम को, बहुत आलस आ गया है कुछ, आज मेरा दिन ही नहीं कट रहा है, टाइम ही नहीं कट रहा है, ऐसा सब आप करेंगे। लेकिन आप एक्टिव रहेंगे, कुछ ना कुछ काम कर रहे पूरा दिन, तो आप बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे रात तक। हमारे बॉडी की कुछ तो कुछ मूवमेंट हो रही है, तो ये बॉडी की मूवमेंट होना बहुत जरूरी। दूसरा है प्राणायाम, प्राण और आयु, प्राणायाम ये बहुत जरूरी है। प्राणायाम में ब्रीदिंग टेक्निक मैं आपको कुछ बताऊंगी, अगर आपको फियर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो आपको ब्रीदिंग टेक्निक करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको ध्यान मुद्रा, अंगूठा और अंगूठी के बाजू वाली जो उंगली है हमारी, ये नेल को नेल टच होना चाहिए, ये ध्यान मुद्रा। कभी भी हम देखते कि कोई पूजा में बैठ जाते हैं तो बैठ जाते हैं, जैसे ऋषि मुनि को भी देखा है हमने ये पोजीशन में बैठ जाते, तो इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है ध्यान मुद्रा से। और वायु और अपनी हीट और वात ये कंट्रोल में आता है, बैलेंस रहता है। ठीक है, आवाज आ रहा है मेरा? ओके। फिर आता है इस ध्यान मुद्रा में बैठकर कुछ ब्रीदिंग टेक्निक कर सकते हैं, जैसे कि डीप ब्रीथ इनहेल एक्सहेल, श्वास दीर्घ श्वास लेना, आराम से छोड़ना। नॉर्मली हम श्वास लेते हैं और फास्ट छोड़ते हैं, जब हमें टेक्निक पता नहीं होती है तब हम फास्ट इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं, लेकिन हमें स्लोली इनहेल स्लोली एक्सहेल करना जरूरी है, डीप ब्रीथ इनहेल एक्सहेल उसको बोलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि श्वास ले रहे हैं तब आपका एब्डोमिन धीरे धीरे बाहर आ रहा है श्वास लेते टाइम, और श्वास छोड़ते टाइम आप नॉर्मल लेवल पे आ रहे हो, एब्डोमिन आपका नॉर्मल लेवल पे आ रहा है। ये प्राणायाम करना आपको जरूरी है, इससे आपका मन शांत होगा। मन शांत होगा तो स्वाभाविक है कि आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप कोई भी चीज अच्छे से कर सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल आपकी अच्छी रहेगी। फिर आता है कुछ ब्रीदिंग टेक्निक में, और एक प्राणायाम है बहुत इम्पोर्टेंट, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसको आप प्रणव मुद्रा में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रणव मुद्रा भी मैं आपको दिखाती हूँ, आपके अंगूठे के साइड वाली दो उंगली जो है उसको अंगूठे के नीचे रखना इस तरह, ठीक है, दोनों हाथ की ये मुद्रा करना जरूरी है। आपका लेफ्ट हैंड डाउन रहेगा, राइट हैंड अप रहेगा। सबसे पहले आप राइट को बंद करके लेफ्ट इनहेल करेंगे, स्लोली इनहेल। अब ये प्राणायाम करते टाइम फिर राइट से एक्सहेल, अब राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। अब नॉर्मली मैं देखती हूँ जब न्यू मेंबर होते हैं उनको पता नहीं होता है, तो वो ये श्वास लेते टाइम अपनी पूरी बॉडी ऊपर स्ट्रेच करते हैं, स्क्वीज करते हैं, तो ये गलत है। आपको श्वास इस तरह से लेना है कि आप नाक से श्वास रहे हो, नाक से छोड़, श्वास का आवाज भी आना चाहिए, सिर्फ आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको फील करना है आपकी श्वास को अनुलोम विलोम करते टाइम। अनुलोम विलोम प्राणायाम इतना अच्छे से आप करोगे तो आप बहुत शांत, जब आपको लग रहा है कि मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे दिमाग में कुछ अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं, तो प्राणायाम तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर आता है और एक प्राणायाम मुद्रा में करना जरूरी है, आपको अंगूठा आपको अंदर लेना है, उसके ऊपर चार उंगली रखना, ठीक है, ये हाथ आप इसको नाभि पे हल्का सा रखेंगे और श्वास लेते टाइम शोल्डर चेस्ट और एब्डोमिन करेंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे 3 सेकंड, और धीरे धीरे आप
ये धीरे धीरे हमारा टाइम स्ट्रेस एंजाइटी फियर सब होगा, आप खुद पे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। फिर आता है शांति, बहुत इम्पोर्टेंट, नेहा ने स्टार्टिंग में भी बताया ओंकार, हमें कुछ बोला जाता है डर निकाल, आप ओंकार करो, सुमन चालीसा बोलो, ओंकार बहुत जरूरी। ओंकार जो है वो तीन चीजें बांटा गया है, ओंकार चैंटिंग, ओंकार चैंटिंग एंड ओंकार चैंटिंग। वो बोलते तब ओपन होते हैं, वो बोलते तब हम लिप्स को आते हैं, और म बोलते तब लिप्स बंद रहते हैं। अब ये ओंकार होता है दांत में, ओंकार चैंटिंग लोअर बॉडी पे हमारी वहां पर ज्यादा इफेक्ट करता है, अकार से जो वो लोअर बॉडी पे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं, या लोअर बॉडी पे जितने भी इंटरनल फंक्शन चलते हैं वो इम्प्रूव। फिर आता है उकार चैंटिंग, उकार करते टाइम आपको ओ इस तरह से अ इस तरह से आपको ओ बोलना है, आप फील करेंगे कि आपकी मिडल बॉडी जो है वो वाइब्रेट, यानी वो वाइब्रेशन जा रहे मिडल बॉडी से लेके शोल्डर तक। तो ये मिडल बॉडी के लिए ओंकार चैंटिंग वो बहुत जरूरी है, इसमें से जो वाइब्रेशन आते हैं वो मिडल बॉडी जितने भी इंटरनल फंक्शन ऑर्गन चलते हैं उसका इम्प्रूव करते हैं। फिर आता है मकार चैंटिंग अपर बॉडी के लिए, शोल्डर से लेके ऊपर हेड, मकार चैंटिंग बहुत अच्छा होता है, इसमें से जो भी वाइब्रेशन आते हैं शोल्डर से लेके ऊपर हेड तक ब्रेन तक हमारे पॉजिटिविटी फैलाते हैं। ओ और ओंकार नॉर्मली ओ करके छोड़ देते, लेकिन ओ इस तरह से आपको ओंकार करना है 3 से 5 बार, ठीक है, तो आपको एकदम रिलैक्स भी हो। और भी बहुत सारे प्राणायाम, बहुत सारे पर्दे होंगे, सोशल मीडिया इतना चल रहा है कि हम सब कुछ सीख रहे हैं घर बैठे बैठे। और एक बात अब हम आएंगे, ये तो मैंने योगा के बारे में बताया, योगा फियर को भगाने में काम करता है, ठीक है। तो जी आपाजी जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया कि जो इसी एक्सरसाइजेज आपने बताई, और यू नो मुझसे बहुत सारे जैसे सोशल मीडिया में भी आता ही है, तो जब ये दर्शक मित्र ये ट्राई करेंगे तो नेचुरली उनको उससे फायदा होगा। और साथ साथ हमारे साथ आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे भी कुछ फियर के बारे में जानना चाहेंगे कि उनके क्या इसके बारे में विचार है, क्यों, और खास करके टीनेजर्स में ये फियर क्यों आता है। जी आपने शिव नेहा जी बहुत अच्छी स्टोरी कही कि जिसको दंड मिला था उस चोर ने कन्वेंशनली हैंग होना पसंद किया, लेकिन अज्ञात का भय उसे था कि दरवाजे के पीछे क्या होगा, तो उसने वो पसंद नहीं किया, क्योंकि दरवाजे के पीछे भले ही मुक्ति हो लेकिन मनुष्य का मन है वो वहां जाने से रोकता है। ऐसे इसलिए कहा जाता है कि ऐसे ही मृत्यु दंड पाने वाले अपराधी को अगर एक इंजेक्शन में ये जहर है ऐसा मान के पानी भी दे दिया जाए तो मन, क्योंकि उसको भय है कि हाँ ये जहर होगा और उसका शरीर उसी प्रकार से प्रतिक्रिया करेगा। इसी प्रकार से ही किसी मरीज को जिसमें श्रद्धा हो, ऐसे डॉक्टर या ऐसे परिजन या दोस्त, अगर इंजेक्शन दे कि ये अमृत है, ये ऐसी दवाई है जिससे सब लोग स्वस्थ हो गए हैं, कोई मरेगा नहीं, और वो दिया जाए भले वो पानी हो, तो वो स्वस्थ होने की संभावना है, जिसे मेडिकल साइंस में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। और आपने बहुत अच्छी बात की कि सबसे बड़ा भय मनुष्यों को रहता है वो मृत्यु का भय है, कई बार वो मृत्यु से भी अधिक हावी हो जाता है। समटाइम्स इट इज मोर डेंजरस, द डेथ ऑफ फियर इज मोर डेंजरस देन द डेथ इटसेल्फ। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जीवानाम रक्षणम श्रेष्ठ, जीवों का रक्षण करना श्रेष्ठ कार्य है, क्योंकि जीवा जीविते कांक्षिणा, सभी जीव है, सभी प्राणी है, जैसे शुभांगी जी ने बताया जो प्राण धारण करता है वो प्राणी है, सभी प्राणी जीने की आकांक्षा रखते हैं। तस्मात समस्त दानेभ्यो अभयदानम प्रशस्यति, इसीलिए अभय दान को एक अति महत्वपूर्ण दान
माना गया है। मृत्यु के उपरांत लोगों में भय रहता है, वो है धन की हानि का भय। मैं गरीब हो जाऊंगी, मेरा क्या होगा, कैसे जीऊंगी, या अपयश का भय कि मेरी इतनी सारी रेप्यूटेशन है वो दूर हो जाएगी, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, वैलिडेशन का भय, मेरी पोस्ट को लोग कैसे लेंगे, समाज में मेरे लिए क्या कहा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा भय है आजकल। और टीनेजर्स की आपने बात की, उसमें भी ये बहुत बड़ा भय है। इसके लिए कुछ टीनेजर्स आत्महत्या भी कर लेते हैं, क्योंकि मैं कोई मुझे पसंद नहीं करता, मेरी पोस्ट को कोई लाइक नहीं करता, कोई मुझे चाहता नहीं है। तो ये भी एक आज के जमाने में महत्वपूर्ण भय है, और वो भय दूर होता है बाबा के ज्ञान से, राजयोग से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु का महत्व है, क्योंकि भय दूर करने का सीधा संबंध ज्ञान से है। अगर ज्ञान आ जाए कि दरवाजे के पीछे फ्रीडम लिखा हुआ है, मुक्ति है, तो भय दूर हो जाता है। इसीलिए गुरु के बारे में कहा जाता है कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरु वे नमः, कि जिन्होंने ज्ञान को शलाका से हमारी आंखों में अंजन किया है, ज्ञान रूपी प्रकाश का, और अज्ञान रूपी तिमिर अंधकार भय को मुक्त से हमें मुक्त किया है, ऐसे गुरु को हमारा नमस्कार है। कभी कभी स्थितियों से भी भय लगता है, किसी को हाइट से, ऊंचाई से भय लगता है, किसी को पानी में जाने से भय लगता है, किसी को क्या भय लगता है वही पता नहीं है कि भाई कुछ डर लगता है, लेकिन क्या है वो समझ नहीं सकता। डर का सीधा संबंध मन से भी है, क्योंकि जब इन्फंट शिशु अवस्था होती है तब खास डर नहीं लगता। जो एक छोटा सा बच्चा जन्मा है, जिसकी इंद्रियां जागृत हो रही है, मन का विकास नहीं हुआ है, चलना भी नहीं सीखा है, वो पास में सांप गुजरेगा तो उससे भी खेलेगा, और उसके सामने तलवार रखी जाए तो भी वो डरेगा नहीं, उसको मृत्यु का भय नहीं है, आग या मोमबत्ती से भी उसको डर नहीं लगेगा। लेकिन जैसे जैसे मन का विकास होगा तो बुद्धि संज्ञान लेने लगेगी कि इससे ये हो सकता है, इससे ये होगा, इससे नुकसान होगा, इससे मृत्यु हो सकती है। तो अलग अलग प्रकार के भय घेर लेंगे, और कुछ सिचुएशनल होते हैं, कुछ टाइम बीइंग होते हैं, कुछ एज के हिसाब से होते हैं। चलना नहीं सीखा है तो गिरने का भय, अब चलना सीख लिया तो गिरने का भय नहीं है, थोड़ा बड़ा होगा अंधकार से भय लगता है, अब उससे थोड़ा बड़ा होगा तो फिर देखेगा कि अंधकार में कुछ नहीं है, इससे डर मैं खामखा डर रहा था। फिर अलोन अकेलेपन का डर रहता है कि मैं अकेले रह जाऊंगी या रह जाऊंगा, कोई मेरा साथ नहीं देगा। तो जैसे जैसे मनुष्य के जीवन में विभिन्न स्थितियां आती है, ऐसे विभिन्न भय भी आते हैं, और उसको दूर किया जा सकता है। जी भाई जी, इस बात में और भी ऐड करना चाहती हूँ कि आजकल लोगों को शादी करने से भी भय लगता है। ये अभी बहुत ही एक बड़ी समस्या चल रही है, जो स्पिरिचुअल काउंसलर के पास ये समस्या भी आजकल बहुत आती है कि शादी करने से डर लगता है लोगों को। हो सकता है क्योंकि स्थितियां बदल जाती है ना, दो लोग जब शादी करते हैं तो उनके सामने ऐसी कई चुनौतियां आ जाती है जो पहले थी ही नहीं। साथ रहने की चुनौती, घर बसाने की चुनौती, परिवार का विस्तार, और फिर खर्चे बढ़ने की चुनौती, फिर वो सब आपके रिश्तेदार दोस्त आपसे कई सारी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जो आप अकेले होते हैं तो नहीं होती। जैसे उनके घर आए, आपके घर वो लोग आए तो आप उनकी आवभगत करें, अच्छे से खाना पीना खिलाए। अगर आप अकेले हो तो ऐसी ज्यादा खास उम्मीद नहीं रखेगा। रेसिप्रोकेट करने की उम्मीद की, हमने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपके लिए इतना किया है, अब आपकी बारी है कि हमारे लिए आप जो हमने किया है कुछ पे बैक करे, तो ये संभव है। और इसीलिए कई देशों में लोग शादी नहीं करते हैं, जापान है, चाइना, वेस्टर्न कंट्रीज में भी जन्म दर आप देखेंगे तो नॉर्मल जितना मृत्यु दर है वही चलता रहता है, या कुछ कंट्रीज में तो मृत्यु दर ज्यादा है, नए बच्चों के जन्म का दर कम है, क्योंकि लोग शादियां भी नहीं करते और नए बच्चों को जन्म देना भी पसंद नहीं करते। तो आपकी बात सही है।
हाँ जी, एंड बहुत ही खूबसूरत सरस्वती चंद्र आचार्य जी, आपने बहुत अच्छे अपने प्रवचन में सब चीजों को, सारे एरियाज को लेकर के चले आप। एंड शिव ने बहन जी ने भी बोला कि दो प्रकार के होते हैं डर, एक तो होता है शारीरिक डर भी होता है, भय होता है, एंड फिजिकल एंड नॉन फिजिकल। एंड शिवांगी कुमारी जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही स्वीटली आपने प्राणायाम को कैसे, स्पेशली मुद्रा आसन जो कि मैं भी काफी फॉलो करता हूँ, मुद्रा आसन से कैसे हम एंड प्राणायाम के द्वारा कैसे हम अपनी एनर्जीज को सेल्फ में फोकस करें। एंड सबसे मुख्य आपने कहा कि 30% एक्सरसाइज एंड 70% आपका कहते ना अन एंड ऑल, क्या लाइफ स्टाइल कैसा है आपका, तो सात्विक अन एंड कैसा आप खा रहे हैं, बिकॉज जैसा अन वैसा मन। इसी चीज में कुछ बात करना चाह रहा था आज कि हमारे अब सबकी बातों को सुन करके मेरे ख्याल से सब चीज कवर हो गई है। एक मुख्य चीज जो कि हमें राजयोग सिखाता है वो है कर्म के बारे में। कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। क्या आप मेरी आवाज ठीक आ रही है? थोड़ी वाइब्रेट। हाँ जी, ठीक, अभी सही है? अभी सही है, बहुत बढ़िया। तो कर्मों के सिद्धांत को अगर हम लेके चले साथ में कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसे फल पाएंगे हम, क्या मेरी आवाज क्लियर है? I think background में somebody's mic is on, yeah, somebody's mic is on, so there's lot of disturbance. तो शायद हम लोग अनम्यूट कर। हाँ जी, आप अपना, हाँ आप अपना म्यूट कर लीजिएगा। मैं कर देता हूँ जी। हाँ जी, हाँ अब क्लियर आ रहा है? कर्मों के सिद्धांत को जो हम सीखते हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में, उसमें कहते ना कर्म ऐसे करो भाई कि पछताना ना पड़े हमें। सो कर्मों के सिद्धांत के हिसाब से चाहे आप फाइनेंशियल कर्म लें, चाहे आप रिलेशनशिप से रिलेटेड कर्म लें, चाहे आप अपने हेल्थ से रिलेटेड जो कर्म कर रहे हैं, और चाहे आप अपना मेंटल एंड इमोशनल स्थितियों को लेकर कर्म जो कर रहे हैं, उन सब का असर में पड़ता है। एंड मुझे याद है कि बचपन में जब बाल अवस्था में 5-6 साल का जब मैं होऊंगा तो मुझे ऐसा लगता था कि सोते समय रात को कोई मेरा गला दबा रहा है। एंड काफी सारे बच्चों को वो फियर रहता है, एंग्जाइटी रहती है। तो गला दबाना मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ ऐसे कर्म किए हैं हमने अपने पिछले जन्म में, या कोई ऐसा फियर लेके आए हैं जिस कारण से हमें अभी भी वो महसूसता है, भावनाएं अभी भी हैं हमारे पास में। तो कर्मों के भी जो फल होते हैं वो हर किसी को भोगने पड़ते हैं, जैसे हमें परम पिता परमात्मा सिखाते हैं ब्रह्म कुमारी इसमें। और कर्म होते हैं हमारे संकल्पों के द्वारा जो कि बीज है हर चीज का। एंड परमात्मा कहते हैं कि अगर हम इस बीज को बिल्कुल पवित्रता से इसको डालें तो उसका फल बहुत ही सुंदर होगा। तो बीज हुआ प्योरिटी, एंड हमारे अगर संकल्प में प्योरिटी है हर किसी के प्रति, चाहे फाइनेंसिस में हम आगे ना बढ़ पाए, किसी ने हमारा अगर ले लिया हो प्रोजेक्ट, कोई हमसे आगे निकल गया हो, चाहे किसी को हमसे पहले जॉब मिल गई हो, चाहे कोई इंटरव्यू में आगे निकल गया हो, अगर हमारे पास में हर एक के प्रति ब्लेसिंग्स हैं एंड गुड विशेस हैं, तो ये एक तरीका बन जाता है कि हम अपने मन को शांत कर लें और अपने डर को खत्म कर लें। बिकॉज हम बेहद से हद में चले जाते हैं। जब हम इंफिनिटी से, परमात्मा बेहद हैं और संसार में बेहद अपॉर्चुनिटीज हैं, जब हम इन्फिनिटी से बेहद से हद में चले जाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं बहुत कम है दुनिया में, हर चीज नहीं है, नहीं हो सकता है, बहुत कम चॉइसेस हैं, चांसेस बहुत कम हैं। लोग कहते हैं ना कि आजकल नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, अगर हम गलत चीजें नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें लिमिटेशन से स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर हम अपने आप से हर दिन सुबह उठ करके कहें कि परमात्मा का मैं पिता का मैं बच्चा हूं, जो कि परमात्मा बेहद है, अनंत है, उन्होंने ये दुनिया भी अनंत तरीके से बनाई है, तो मेरे पास भी अपॉर्चुनिटीज अनंत है, चाहे वो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हो। तो फिर उसमें क्या होगा, हमारे पास में ना लोभ होगा, ना हमारे पास में ईर्ष्या होगी, बिकॉज बेहद में जाने से लोभ और ईर्ष्या खत्म हो जाती है, और डर भी एक मात्रा से बहुत कम हो जाता है। So, कर्मों को सुधारना बहुत जरूरी है, एंड उनका फाउंडेशन ही बेहद में जाना है। एंड जैसे भाई साहब ने भी कहा एंड दीदी ने भी कहा कि आज शादी से भी बहुत लोग डरते हैं। सो शादी में हमारा फोकस सबसे ज्यादा औरों के ऊपर होता है, लेकिन अगर हम अपने ऊपर फोकस करें,
कि मैं अपनी पर्सनालिटी को बेहद में लेके जाऊं तो मेरी जो वाइब्रेशंस हैं, मेरी जो अपनी पर्सनालिटी उसी के इक्वलेंट में को वो व्यक्ति मिलेगा। अगर मैं डर की पर्सनालिटी बनाऊंगा तो मुझे वैसी ही वाइब्रेशन वाला व्यक्ति मिलेगा। अगर मैं औरों में नुक्स निकालूंगा, औरों के अंदर की गलतियां ढूंढूंगा जो कि लो वाइब्रेशन की हैं, और लो वाइब्रेशन इम्प्योर वाइब्रेशन होती है जिससे मेरे अंदर पैल्पिटेशंस होंगी, बिकॉज जैसे ही हम आत्माएं नेगेटिव या इम्प्योर थॉट्स क्रिएट करती हैं औरों के प्रति, चाहे कोई चीज चूज करते समय, चाहे किसी व्यक्ति के साथ में बिजनेस करना है, शादी करनी है, चाहे कोई रिलेशनशिप निभाना है, उसमें अगर हम औरों के प्रति नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव फीलिंग क्रिएट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो हम अपनी प्योरिटी से जितना दूर होते जाते हैं उतना ही टेंशन बढ़ती जाती, उतना ही फियर बढ़ते जाते हैं। तो अगर हम हर किसी को दुआएं देते हुए आगे बढ़े, जैसे हम ब्रह्म कुमारी में सीखते हैं, हम हर किसी को दुआएं देते हुए आगे बढ़े कि किसी की नौकरी लगी बहुत अच्छा, मेरी एज में अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे सारे साथियों की शादी होगी, क्या करूं क्या ना करूं, तो उसकी भी एंग्जाइटी होती है, मेरे से लोग आगे बढ़ते हैं 36 40 इयर्स के पहुंच गए लेकिन मेरी शादी नहीं हुई, तो हम औरों को बधाइयां दें इंस्टेड ऑफ जेलस हों, इंस्टेड ऑफ हम उनसे हेट्रेड क्रिएट करें, हम उनको बधाइयां दें। और कहा जाता है हम जितना जो देते हैं दुनिया में वही वापस हमारे पास में आता है। तो ये हमारे कर्मों को बहुत ही प्योरीफाई कर देता है, क्योंकि हम हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं सिचुएशन को, जो कि एक शक्ति है, फर्स्ट शक्ति में से पावर टू एक्सेप्ट सिचुएशंस, और अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम एडजस्ट भी नहीं होते लोगों से। हम जितना लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जैसे भाई साहब ने कहा कि पैसे की प्रॉब्लम होती है कि मैं गरीब ना हो जाऊं, है ना, तो हम जितना चाहेंगे कि मैं गरीब ना हो जाऊं उतना ही हम उस चीज को और अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हमारा फोकस और एनर्जी कहाँ चलेगी, मैं गरीब ना हो जाऊं। तो कहा जाता है कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, जहां पे हमारा अटेंशन जाता है वहीं पर सारी ऊर्जा चली जाती है आत्मा की। तो जहां पर हम फोकस कर रहे हैं कि वो ना आगे बढ़ जाए मेरे से, कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं, उल्टा हम कहें कि वो बहुत आगे बढ़े, मेरे से भी बहुत आगे जाए वो, अगर ये भावना हमारे अंदर आ जाए तो डर की, कंपैरिजन की और तुलना करने की भावना खत्म। और जहां तुलना करने की और कंपैरिजन कंपटीशन करने की भावना खत्म, वहां डर का नाम और निशान नहीं रह सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड फिर जैसे सिर्जना दीदी ने कहा कि अटैचमेंट हो जाती है हमारी, कहा जाता है ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, ये शरीर भी अपना नहीं है। ब्रह्म कुमारीज में हमें सिखाता है कि हम तो आत्मा है और ये शरीर भी हमारा अपना नहीं है, ये भी हमने लोन में लिया है 5 तत्वों से। शिवांगी सिस्टर ये मानेंगी क्योंकि 5 एलिमेंट से बनी हुई बॉडी है, 5 एलिमेंट्स धरती का है और धरती को माँ कहते हैं, तो माँ से हमने लोन लिया है। तो माँ से जब हमने ये शरीर भी लोन लिया है तो फिर इसको छोड़ने में डर क्यों लेना। कोई चीज जब लोन में लेते हैं जिसका हमें कोई किराया भी ना देना पड़ रहा हो यहाँ पर, तो उसको छोड़ने में डर क्यों। तो मुख्य चीज है ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाएंगे। सो अटैचमेंट को निकालते जाना बहुत जरूरी है, एंड स्पेशली अटैचमेंट टू आउटकम्स, कि मैंने ये इंटरव्यू दिया है अब मेरा अच्छा होना चाहिए, या मैंने इस व्यक्ति को चूज किया अपने लाइफ पार्टनर के हिसाब से, ये तो बेस्ट होना ही चाहिए, नहीं तो मैं इसको बेस्ट बना के छोड़ूंगा। कई लोग तो ये भी ठान लेते हैं कि अब शादी होगी ये मेरे जैसा ही बनना चाहिए इंसान, अब इसको मैं अपनी फोटोकॉपी बना के छोड़ूंगा इसको मैं। तो ये सबसे बड़ी गलती कर देते हैं जहां पे हम कंट्रोल करते हैं, और जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते इंसान को तब हमारे अंदर डर आता है, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने सही व्यक्ति को चुना, क्या मैंने सही अब आगे क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा। एंड जहां एक्सेप्टेंस नहीं है, जहां पर हम कंट्रोल करते हैं वहां पर हमारी शक्ति कम होती जाती है और अटैचमेंट बढ़ती जाती है टुवर्ड्स आउटकम्स। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने अपने लाइफ में सीखी थी कि रिलेशनशिप्स में सबसे ज्यादा जो फियर है आज इंसान को, ये कहीं छोड़ के ना चले जाए मुझे, कहीं डिवोर्स ना हो जाए मेरा, मैं तो ये कहूंगा कि आप डिवोर्स के ऊपर फोकस क्यों कर रहे हो, आप उस व्यक्ति को चेंज करने के पीछे क्यों फोकस कर रहे हो, आप अपने आप को इतना अच्छा बनाओ, इतना गुणवान बनाओ कि आपको कोई छोड़ने की सोचे ही ना, आपके अंदर इतनी क्वालिटीज हो, इतनी मधुरता हो, इतनी ह्यूमिलिटी हो, इतना पेशेंस हो, इतना टॉलरेंस हो कि ये क्वालिटीज फियर को छुपा दें, और आप जो सच्चा हीरा हो क्वालिटी वाला, जिसके ऊपर धूल पड़ जाती है एक और दूसरों की गलतियां देख करके, औरों के बारे में बोल करके, इधर उधर नुक्स निकाल करके, वो जो धूल चढ़ जाती है हमारे ऊपर, अगर वो हम हटा जाए तो हमारे अंदर जो हीरा छुपा है वो सामने दिखाई देगा। कहते हैं ना कि अगर आप किसी की बेइज्जती करते हो तो आप उससे आंखें भी नहीं मिला सकते अगले दिन, तो डर तो रहेगा ही ऑब्वियसली। आप किसी की बेइज्जती करो अभी
और किसी से अगले दिन मिलकर के बॉस की बेइज्जती करो आप, या अपनी स्पाउस की बेइज्जती करो और को जा करके, और फिर आंखों से आंखें मिला के दिखाओ, आप कर ही नहीं सकते हो। हर किसी का एग्जाम्पल है, हर किसी को ने एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर डर हटाना है तो हमें औरों के बारे में अच्छा सोचना बहुत जरूरी है, प्योर सोचना बहुत जरूरी, ताकि हम उसकी आंखों में आंखें मिलाकर देख पाए। जितनी सत्यता होगी उतना डर कम होगा, और जहां सत्यता नहीं है वहां डर 100% रहेगा। तो कहा जाता है ना, रविंद्रनाथ जी ने भी कहा था, एकले चलो रे, कि मुझे किसी को फॉलो नहीं करना है, एकला चलो रे, मुझे अकेले सत्य के मार्ग पर चलना है, मुझे किसी और व्यक्ति को फॉलो नहीं करना है, चाहे लोग चुगली करने वाले हो मेरे ऑफिस में, चाहे आजू बाजू वाले जो मेरे फ्रेंड्स हो अपनी वाइफ का या हस्बैंड की बुरी उनकी इंसल्ट करने वाले हो, मुझे अपने को देखना है कि मुझे सत्य मार्ग पर चलना, मुझे जो हीरा बनना है, उसके अलावा मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं है। एंड मैं अपनी पर्सनल लाइफ में मैं यूज करता हूँ कुछ अफर्मेशंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, उच्च परमात्मा की संतान, जब वो अमर है तो मैं भी उनका बच्चा आत्मा अमर हूं, मैं मरता नहीं हूं। लेकिन अगर मैं परमात्मा को भूल जाऊं तो हर क्षण ऐसा लगेगा जैसे मर मर के जी रहा हूं। तो इससे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं परमात्मा की छत्रछाया में रहूं। एंड मेरे ख्याल से शिव नेहा दीदी, आप हमारे लिए परमात्मा से रिलेटेड कुछ एक इम्पोर्टेंट अच्छी मेडिटेशन सिखाएं, ताकि हम परमात्मा को याद करें, उनकी शक्तियां, उनका निडरता हमारे अंदर आए, और हम इसी सत्र को फिर आगे लेकर के बढ़े। सिस्टर नेहा, बहुत अच्छी बात आपने कही, अच्छे पॉइंट्स आपने टच किए, तो उसी पे ही हम छोटा सा एक मेडिटेशन ले लेते हैं, कि जिसमें कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी, माय फ्रेंड गणेशा, आई थिंक बहुत लोगों ने देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो मैं चाहूंगी कि आप उन्हें देखिए, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छा एक दिखाया गया है कि कैसे भगवान को जब भी आप फ्रेंड बना लेते हो तो आपकी कितनी मुश्किलें आसान हो जाती है, है ना, खास करके जो टीनेजर्स है, माई फ्रेंड गणेशा इट्स अ वेरी गुड मूवी, है ना। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी रिलेशन में जब ही हमें विश्वास हो जाता है तो फिर उसे हमें आगे उसके कुछ डर नहीं लगता। जैसे छोटे बच्चा, जैसे आचार्य जी ने भी कहा कि जब भी छोटा बच्चा होता है तो उसको डर नहीं होता है, उसको आप आसमान में भी ऊपर उछालेंगे तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि आखिर में उसके फादर या मदर है जो उसको अच्छे से पकड़ ही लेके। तो इन्हीं बातों को समेटते हुए हम एक 5 मिनट्स का छोटा सा मेडिटेशन का अनुभव करते हैं, और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस होगा तो करेंगे, और बाद में ये करेंगे। तो कुछ समय के लिए हम सब हमारे विचारों को समेट ले, विचार आएंगे और जाएंगे, पर मुझे अपने मन को आज एक नई दिशा देनी है, एक नया रास्ता चुनना है, एक नया रोड मैप अपने लिए क्रिएट करना है। एक दृश्य हम इमर्ज करते हैं, बहुत सुनसान सड़क में मैं कहीं जा रहा, और उस सड़क पर चलते चलते मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और मेरे मन में एक ऐसी घबराहट शुरू हो रही है
मेरी सांसें एकदम तेज हो रही है और मैं बहुत ही तीव्र गति से उस अंधकार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं। अपने मन की स्थिति को इस समय चेक करिए। मन में क्या चल रहा है, क्या विचार आ रहा है, सांसें कितनी तेज हो गई है और कितनी तीव्र गति आपका बॉडी का तापमान हो गया है। इसको थोड़ी देर के लिए अपने मन में नोट करिए। अब रास्ते में मैं आपको मिलती हूं और मैं कह रही हूं कि थोड़ी आगे आप जाएंगे तो भगवान आपको मिलेंगे, उनकी प्रकाश की छोटी सी किरण मैं आपको अब दिखा रही हूं और आप वो देख भी रहे हो और उसी अंधकार से फिर से आप चलना शुरू कर रहे हो। आपकी मन के विचार की स्पीड थोड़ी कम हो गई है, आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है, आपकी स्पीड वो भी एकदम सुखदाई शांति की अवस्था में है और आप चलते चलते उस लाइट को और पास देख पा रहे हो और उस लाइट को क्लियरली अब देख रहे हो गॉड भगवान परमात्मा। अब आपकी स्थिति को चेक करिए। आपके मन के विचार एकदम शून्य, आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स और आपके चेहरे पर एक अनंत आनंद की रेखाएं। ओम शांति, ओम शांति। तो ये दो सिचुएशन में हमने देखा कि जब भी हम अंधेरे में ऐसे ही चले जा रहे थे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था तो हमारे अंदर डर और भय की कितनी भावना जागृत हो गई थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि थोड़े आगे एक गॉड मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, तो हमारा पूरा थिंकिंग पूरा रिवर्स हो गया। तो इससे एक अनुभूति हर एक को हुई होगी कि हमारे जब भी थॉट्स भय वाले बहुत ज्यादा चलते हैं तो पॉज फॉर पीस, जैसे लास्ट टाइम भी इस सेशन में मैंने हाईलाइट किया था कि चंद सेकंड के लिए पॉज फॉर पीस और अनुभव करें कि भगवान का हाथ हमेशा मेरे सर पे है,
ना जस्ट एक एक फुट ऊपर है अपने से ना, आई थिंक कोई एक सेशन में हमने वो एक्सरसाइज भी की थी। हाँ जी। तो ऐसे ही मतलब भगवान को जस्ट एक फुट ऊपर पकड़कर चलते रहिए, और जैसे जहां जहां हम चलते हैं तो भगवान साथ में हमारे साथ ही चलता है, जैसे चंदा और सूरज है ना हमारे साथ चलते हैं ना, तो ऐसे भगवान भी रोज हमारे साथ चलते ही रहते हैं। उनका फोकस मेरे पर ही है ऐसा आपको हर घड़ी सोचना है, भगवान को और कुछ काम ही नहीं है, है ना। मैं तो रोज सोचती हूँ कि भगवान का कैमरा मेरे पर ही है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरे को 100% वो गारंटी रहती है। तो इसी तरह हम अपने डर को जीत सकते हैं, खाली एक स्टेप हमको लेना है, वो स्टेप है सामना करने का, पावर टू फेस। एक बार हिम्मत कर कर वो करें तो मुझे नहीं लगता है कि जीवन में हमें कोई भी हरा सकता है। बहुत बढ़िया सिस्टर। एंड परमात्मा हमारे साथ में हमेशा है, एंड परमात्मा भी कहते हैं कि जो हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला है बहुत अच्छा। अब लोग बोलते हैं मेरे पास में तो ये प्रॉब्लम आ गई, मेरे तो पूरा धन चला गया, मेरा सब कुछ चला गया। परमात्मा कहते हैं बच्चे कुछ सीखा तो ना उसमें, ये क्या नहीं करना नेक्स्ट टाइम। तो जो हुआ अच्छा हुआ क्योंकि उससे सीख उठाई हमने, और अब क्या करना है, जो सीख उठा के करेंगे वो अच्छा होगा और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा होगा। और कहा जाता है समय से पहले और भाग्य से ज्यादा, ना कभी किसी को मिला है और ना कभी किसी को मिलेगा। तो इन सारी चीजों को अगर हम हमेशा याद रखें, एंड सिस्टर ने जो ब्यूटीफुल मेडिटेशन कराई कि परमात्मा मेरे साथ है तो मेरा भाग्य की रेखा तो मेरी खुली हुई है, बस समय की बात है कि परमात्मा कब देखने कि मैं तैयार हूँ, अंदर से पवित्र हूँ और मैं औरों के सामने आगने के लिए तैयार बैठी हूँ। औरों का भला करते चलो, सबका भला होते जाएगा। एंड आप सब श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम करेंगे मूव करेंगे अपने जितने भी आए हुए पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके लिए अब लाइंस खुली हैं। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चंस हैं आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड मैं आपको चैट बॉक्स में अभी एक व्हाट्सएप लिंक भेजने वाला हूं जिस पे आप क्लिक करके उस पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप लिंक है, ग्रुप है जहां पर आप सब आकर के हमसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों को एक हफ्ते तक हम बात करेंगे फियर के बारे में और फियर से रिलेटेड चीज उसमें डालेंगे। अब ये प्लेटफॉर्म आप सब के लिए खुला है क्वेश्चन आंसर सेशंस के लिए। कोई अगर नहीं पूछना चाहता मुख से तो आप चैट करके चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए प्लीज। ऑन टू यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। हाँ जी तुलसी जी, आप अपना हैंड रेज कर रहे हैं, काइंडली बोलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। ओम शांति टू एवरीवन। सो मैं तुलसी थापा हूँ दार्जिलिंग से। तो आज का जो टॉपिक है फियर का, तो इससे मेरा एक क्वेश्चन मन में आया कि मैं आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन हु यू नो, जिससे कभी कोई गलती होती है तो मैं आसानी से सॉरी मान लेती हूँ, लेकिन अगर मैं राइट हूँ तो सामने वाला मतलब जितना भी 10-12 लोग जितना भी बोले, या तो मेरे अपने हस्बैंड है या तो मेरे अपने पापा है, उनके बात मैं नहीं मान सकती। जब मैं राइट हूँ, जब मुझे लगता है कि मैं राइट हूँ, तो लाइक आई कैन स्टैंड इवन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लाइक वो फीलिंग आती है मुझ में। तो मुझे उसके बाद ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कंफ्यूजन या डर लगता है कि क्या ये सही है। तो आप जो गेस्ट है मुझसे थोड़ा मुझसे तो ज्ञानी है, तो मैं आप किसी से भी सजेशन चाहती हूँ कि क्या ये सही है, तो मुझे वो कैसे, अगर ये गलत है तो वो कैसे मुझे उसे सुधारना है, तो प्लीज आप कोई भी मुझे आंसर कर सकते हैं। हाँ जी, आप में से कोई अगर आंसर देना चाहेगा इसके बारे में, बिकॉज समय ब्रह्मकुमारी से बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं, मास्टर और बच्चा, कब मास्टर बनना है और कब बच्चा बन जाना है, तो कोई लेना चाहेगा तो प्लीज लीजिए इसका आंसर। आचार्य जी आई थिंक देना चाहते हैं। आचार्य जी आपने हाथ उठाया। तुलसी जी आपका प्रश्न आज के कई सारे पढ़े लिखे लोगों का प्रश्न है कि भाई मैं बुरा हूँ तो मैं सॉरी कह लूंगा, लेकिन जब मैं शत प्रतिशत सच्चा हूँ तो मैं झुकूंगा नहीं, माफी नहीं मांगूंगा। इसमें आदर्शों को बनाए रखने की बात नहीं है, ये कोई सत्य असत्य की बात भी नहीं है। जब हम हमारे बुजुर्गों का रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे फैमिली में हम घुल मिल कर रहते हैं,
तो हमें कम से कम एक बार उनको सुन लेना चाहिए, क्या सही है गलत है बाद में आता है, लेकिन कई बार सिर्फ सुन लेने से ही आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि व्यक्तियों की मनस्थिति अलग अलग होती है। कभी आक्रोश में आके मैंने किसी को कुछ कह दिया, इसका मतलब नहीं है कि मेरे मन में उसके प्रति बैर भाव है, 10 मिनट बाद हो सकता है कि मुझे भी गलत लगे, मैं सामने से सॉरी कह दूं। क्योंकि जब हमें एक अच्छा रिश्ता सबके साथ बनाए रखना होता है तो मैं सच हूँ वो गलत है क्या सच है वो बाद में आता है, पहले एडजस्टमेंट आता है, कॉम्पैशन आता है, एक दूसरे के प्रति लेट गो करने की भावना, प्यार करने की भावना आती है। हमें खुद तय करना होता है कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, रिश्ता महत्वपूर्ण है या अपना ईगो या अपना स्टैंड लेना महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम अपने आप को सच मानते हैं लेकिन 180 डिग्री घूम के देखे तो सामने वाला भी कभी कभी सच होता है, उनके एंगल से उसकी बात भी सही होती है। तो मुझे लगता है ये व्यक्ति पर निर्भर होता है, लेकिन आपकी जगह अगर मैं रहूंगा तो मैं इसको ईगो इश्यू कभी नहीं बनाऊंगा। और जो झगड़े होते हैं, जो विवाद होते हैं, वो बहुत मामूली बात होती है, उसमें कोई इतना बड़ा सिद्धांत नहीं होता कि जिसके ऊपर हम अपनी जान दे सके या जान ले सके, ये बहुत छोटी मोटी बातें होती है। तो उसमें कॉम्प्रोमाइज करना अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ये मेरा मानना है। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड इसमें मैं कुछ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो हम आध्यात्म में सीखते हैं ब्रह्मा कुमारी में, कि सत्य को कभी सिद्ध करने की जरूरत होती ही नहीं है। अगर हम सत्य को सिद्ध करने जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं आक्रोश में आना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें गुस्सा करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें अहंकार दिखाना पड़ता है, जैसे भाई साहब ने कहा। तो परमात्मा बहुत मीठे तरीके से कहते हैं कि जैसे मुझे भी किसी को सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि मैं हूं कि नहीं हूं, वैसे ही अगर आपके अंदर सत्यता है तो आपको सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, सत्य ऑटोमेटिकली समय अनुसार सिद्ध हो जाता है। तो उस समय अगर समय अनुसार सिद्ध हो जाता है तो मुझे सिर्फ पेशेंस और मुझे उस समय सहनशीलता और सामना करने की शक्ति ऑटोमेटिकली मेरे अंदर आ जाती है, और मुझे किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी को मेरे को जताने की जरूरत है। अगर मैं जितना सत्य को जताने की कोशिश करूंगा और वो भी क्रोध से अहंकार से, तो मुझमें और उनमें डिफरेंस क्या हुआ? अगर उन्होंने भी चिल्लाकर मुझे कहा कि तुम गलत हो और मैंने भी चिल्लाकर उनको कहा कि आप गलत हो, या मैं अगर चुप भी हो गई, और अंदर से तो चुप नहीं हुए ना, बाहर से चुप हो गए लेकिन अंदर से तो अंदर से बॉयल हो रहा है, अंदर से वो ना पानी गर्म हो रहा है, 100 डिग्री पहुंच चुका है। तो अगर सत्य है तो वो बॉयल नहीं होना चाहिए वो ऑटोमेटिकली। तो ये हमें चेक करना है मेडिटेशन में, जैसे सिस्टर नेहा ने भी दिखाया कि हमें कैसे चुपचाप होकर के अपने अंदर जाकर के परमात्मा से पूछना है, परमात्मा मुझे इस समय क्या करना चाहिए, मुझे क्या अपने आप को सिद्ध करना है, कि मुझे समय शांत रहना चाहिए और समय के लिए वेट करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, यहाँ पर एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे अगर मेरे पास एक पेपर है और वो पेपर में मैंने एप्पल ड्रॉ करके रखा हुआ है और एक साइड में मैंने ऑरेंज ड्रॉ करके रखा है, ओके, तो जब भी मैं वो पेपर आप सबको दिखाऊंगी तो आप सब मुझे क्या कहेंगे कि इसमें एप्पल है, और मैं कहूंगी नहीं आप सब रॉन्ग है, इसमें तो ऑरेंज है। सो हर इससे माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे एप्पल देखना है तो मुझे साइड चेंज करनी पड़ेगी, मुझे आपकी जगह पर आकर देखना पड़ेगा, और अगर आपको ऑरेंज देखना है तो आपको मेरी जगह पर आकर देखना पड़ेगा, तभी आप मुझे कहोगे कि आप राइट है। तो जैसे हमारे जो व्यू पॉइंट्स है हर एक के अलग अलग, मतलब हमको हमारा दृष्टिकोण चेंज करना है। कभी कभी हम यही सोचते हैं कि ये इस सिचुएशन का यही सॉल्यूशन है, पर हर समय वो नहीं होता है। हमारा एक्सपीरियंस, दूसरों का एक्सपीरियंस, दूसरों ने लाइफ में कितने सारे मुश्किलों को पार किया रहता है, तो उनके वो जो अनुभव है वो अनुभव के आधार से भी बहुत बार वो हमें कुछ कहते हैं। हम खाली हमारे, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक है टेक्निकल ज्ञान और एक है प्रैक्टिकल, थियरी एंड प्रैक्टिकल। सो हम कभी थियरी में अड़े रहते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन बहुत बार उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कुछ अलग रहता है। तो अगर हम हर एक के व्यू पॉइंट्स को ध्यान, एक दूसरे को रिस्पेक्ट, जैसे भाई जी ने बताया कि हम रिस्पेक्ट करें, तो मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो सकती है, और थोड़े टाइम के बाद सबको ही लगेगा कि तुम भी राइट थे मैं भी राइट थी, तो वो है ना मसला ही वहां पर खत्म हो जाता है।
बिल्कुल शिवांगी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कि जब हम सही होते हैं तो हमें साबित करने की जरूरत नहीं है, सत्य हमेशा सामने आता है, बस हमें पेशेंस रखना जरूरी है। जैसे आपने कहा कि पेशेंस बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में, क्योंकि हर एक का नजरिया अलग होता है। जैसे हमारे थॉट होते हैं वैसे हमारे विचार होते हैं, तो हमें हमारे थॉट पे कंट्रोल लाना, अगर हम अच्छा सोच रहे, अच्छे थॉट आ रहे हैं, तो हमें पेशेंस रखना भी जरूरी है। सामने वाले को हम हमारे वाइब्रेशन से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे हमारे हमें सिखाया जाता है कि आप किसी के साथ, अभी जैसे कि तुलसी जी ने सवाल पूछा कि डिफरेंस होता है कि मैं सही हूँ तो मैं वो मानती, यानी मैं उस मुद्दे पे होती हूँ, तो आप आपके थॉट के द्वारा भी उनमें चेंज ला सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी देके आपके मन में जो विचार आ रहे हैं मेडिटेशन में बोल के, आप उनको चेंज कर सकते हैं अगर आप सही है तो। बिना कोई वाद हुए हुए या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुए हुए आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आई थिंक सिस्टर तुलसी आपको आंसर्स मिल गए होंगे सारे, अब बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। थैंक यू टू ऑल, आप सभी के एडवाइसेस आंसर्स मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं ये मेरे लाइफ में उतारने की कोशिश करूंगी। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। सो आज हमने रिस्पेक्ट ऑल, उस समय बोलने की जरूरत नहीं है, फटाफट हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। एंड सेकंड चीज है कि सत्य को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, एंड हर एक का नजरिया अपना अपना होता है, ये भी हमने सीखा आज, हर एक अपना अपना नजरिया है। काइंडली अपने आप को म्यूट कर दीजिए, प्लीज काइंडली म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, थैंक यू। तो आज के जो हमारा जो टॉपिक था फियर, तो उसमें आपने बहुत सा क्वेश्चन पूछा तुलसी जी, एंड आई थिंक सबको ये आंसर्स इसमें मिल जाएंगे, बिकॉज ये रिलेशनशिप को भी कवर करता है, एंड ये सेम प्रॉब्लम्स हमारे बॉस के साथ में भी, जॉब में भी फेस हो सकती है, बिजनेस में भी फेस हो सकती है हमारी। तो रिस्पेक्ट देना फर्स्ट चीज, सेकेंड चीज दूसरे के नजरिए से देखना, तीसरी चीज अगर मैं राइट हूँ तो मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो जहां पर मुझे मास्टर बनना है तो मैंने अपना आइडिया पेश कर दिया कि हाँ मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, ऐसे होना चाहिए, तो मास्टर होकर के मैंने बोल दिया। लेकिन ठीक नहीं बोलना भी कभी कभी अच्छा नहीं होता है, अगर बड़े हैं रिस्पेक्ट देना जरूरी, तो मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। उसके बाद में फिर बच्चा बन जाओ कि नहीं अच्छा वो जो कहते हैं उसके हिसाब से हम चलेंगे, और फिर अगर मैंने सही बोला था और जाके अगर कोई डिसीजन गलत हो जाता है फैमिली का, और देखा तो उस समय मेरे को ये नहीं करना, देखा मैंने बोला था ना, मैंने आपको बताया था ना, ये भी करना नहीं है फिर, बिकॉज ये भी अहंकार का एक निशानी हो जाती है कि देखा मैंने आपको कहा था ना, तो ये चीज नहीं करनी है। तुलसी जी ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, हर कोई ध्यान रखेगा कि आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, और अंदर अंदर वो जो बोलते हैं ना कि वो दिल फूट रहे होते हैं देखा, या बहुत खुशी के बलून फूट रहे होते हैं देखा, मैंने दिखा दिया इनको कि मैं राइट प्रूफ हो गई, ये प्लीज ना करिएगा, क्योंकि ये भी एक अहंकार की निशानी हो जाती है। तो आई थिंक आज का सत्र बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर रहा। आप सब चाहेंगे कि हम फिर से इसी तरीके से फेयर के टॉपिक को लेके आए, तो आप जरूर थम्स अप अपना दिखाइए। अगर आप चाहते हैं कि हम फेयर का टॉपिक फिर से लेके आए, थम्स अप दिखाइए, जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हुए यहाँ पर, एंड आपके थम्स अप से ही हमें पता चल जाएगा कि हम फिर से ये सत्र को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, रिलेशनशिप को कवर करना है, फाइनेंसिस को कवर करना है, एंड बहुत सारी सुंदर स्टोरी सुननी है सिस्टर नेहा के द्वारा, एंड भाई साहब के इतनी गहराई के, उनके जो श्लोक उन्होंने कहे हैं गहराई के द्वारा वो सुनने हैं, एंड शिवांगी सिस्टर के जो प्राणायाम और प्रैक्टिकल में सीखने हैं सिस्टर, ताकि हम प्रैक्टिकली आपके साथ में 1 मिनट या 2 मिनट बैठ करके वो प्रैक्टिस करें, ताकि हमें गाइड करें कि आप करना कैसे है। तो हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे आप सबके साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, एंड मेरे ख्याल से सूर्यस्वती चंद्र भाई साहब के चैनल पे भी रिकॉर्डिंग जाएगी, बिल्कुल लिंक हम पुट ऑन कर देंगे सबको, एंड साथ साथ में ये फेसबुक का लाइव भी हो रहा है, फेसबुक का लाइव का भी आपको लिंक में भेज दूंगा, एंड हम सब आपके लिए तैयार हैं। काइंडली जो आपको चैट बॉक्स में दिया गया है जो लिंक, उस पे व्हाट्सएप लिंक पे फिर से आपको भेजा गया है, फटाफट आप क्लिक कर लीजिए एंड उस व्हाट्सएप लिंक पे आइए, ताकि हम उसमें आपसे और कम्युनिकेट कर पाए अबाउट फेयर ऑन अ वीकली बेसिस। थैंक यू सो मच आप सब पार्टिसिपेंट्स को आने के लिए, अगर आप ना हो तो हमारा यहाँ पे आने का कोई मतलब ही नहीं होता है, आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड सिस्टर नेहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शिवांगी जी आपका शुक्रिया, एंड सरस्वती चंद्र आचार्य भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपके मधुर वचन, ज्ञान युक्त वचन रखने के लिए। ओम शांति आप सबको, ओम शांति, साइनिंग ऑफ।